आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग जो होती है वो होती है मेरे घर से। तो घर में हो रही थी दरूदो गौसिया। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अभी फ़िलहाल मायके में हूँ और यहाँ पर घर पर जो है ना दरूदो गौसिया रखी गई थी। ग्यारहवीं शरीफ का चांद है, हर घर में यहाँ पर ज़्यादातर जो है ना दरूदो गौसिया होती है। तो हमारे घर में भी दरूदो गौसिया रखी गई थी और सब लोग आए थे पढ़ने के लिए। पढ़ने के बाद में यहाँ पर हम लोगों ने फाता वगैरह करी और नाश्ता वगैरह हुआ था सबका और फिर सब लोग चले गए थे। तो यहाँ पर मेरा बेटा और मेरी बहन का बेटा था, वो भी पढ़ रहे थे क्योंकि इसमें 11 लोग ही बैठते हैं। तो बस यहाँ पर दरूदो गौसिया होने के बाद में अब यहाँ पर होती है एंट्री मेरे मामू की, क्योंकि मेरे मामू जो हैं वो गए हुए थे बगदाद शरीफ यानी कि ईरान, इराक के टूर पर वो गए हुए थे। तो अब उन वो 15 डेज़ के बाद में वापस आ रहे थे। तो यहाँ पर डायरेक्ट उनको हम लोगों ने अपने घर बुला लिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थके हुए थे और मेरे पापा और उनकी फैमिली जो मामू की थी वो उनको लेने के लिए गए हुए थे। तो हम लोगों ने उनको कहा था कि सीधे हमारे घर आ जाइएगा और यहीं पर खाने वगैरह का हम लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ था। फिर मामू आए तो घर में बड़ी रौनक लग गई, सब ने उनको गजरे वगैरह डाले और मिठाई खिलाई। उसके बाद में खाना हुआ, खाने में चिकन मटर पुलाव और सेवइयों की खीर हम लोगों ने बनाई हुई थी। तो बस यहाँ पर मामू लोग ने खाना वगैरह खाया, काफ़ी अच्छा लगा। सब लोग आए थे, घर में बड़ी रौनक लग रही थी और बहुत ही जो है ना कि जब आपके यहाँ कोई कहीं जाता है यानी कितने बड़े डर से वो होकर के आए हुए थे। और उन्होंने वहाँ से भी बहुत सारी वीडियो जो है वो हम लोगों के साथ में शेयर की थी। ये मामू का बेटा है तो पूरी फैमिली जो है वो इनको लखनऊ एयरपोर्ट पर लेने के लिए गई हुई थी और दोपहर के 3 बजे करीब जो है ना ये लोग वापस आए हुए थे। बस यहाँ पर खाना वगैरह चल रहा था। ये मामू का छोटा बेटा है जो कि ये भी गया हुआ था साथ में। सब लोग जो है ना बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो ये यहाँ पर सेवइयों की जो खीर थी वो खा रहा था। मैंने उससे पूछा कि कैसी बनी है, तो उसने कहा बिल्कुल परफेक्ट। तो बस यहाँ पर खाने का जो है ना इंतज़ाम अच्छे से हुआ हुआ था। मामू बहुत ज़्यादा थके हुए थे तो बस उन्हें जाना था घर भी। तो खाना खाने के बाद में चाय वगैरह हुई और उसके बाद मामू लोग जो है वो अपने घर निकल गए थे। फिर शाम में हम लोगों का बन गया था भाई के दोस्त हैं उनके यहाँ जाने का। तो टिंकू भाई आए हुए थे तो उनसे काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है उनकी, तो उन्होंने फैमिली को बुलाया हुआ था। तो मैं और मेरी बहन और उनके बच्चे और टिंकू भाई जो थे ना मेरे जीजा, वो सब लोग जो है उनके घर जा रहे थे। तो ये रास्ते का व्यू है, काफ़ी दूर था उनका घर। तो बस हम लोग घर से निकल चुके थे, शाम का टाइम हो रहा था। उसके बाद में पहुंच गए थे हम लोग उनके घर, जहाँ पर कि बहुत अच्छे से उन्होंने हम लोगों को जो है ना अपना घर वगैरह दिखाया था, क्योंकि उनका अभी घर नया बना था। पहले जो था घर पुराना था, उसके बाद में इन्होंने अभी न्यू एरिया में और नया घर बनाया हुआ था। बहुत ही परफेक्ट तरीके से इन्होंने अपना घर बनाया हुआ था। तो ये उनका घर है। बस यहाँ पर हम लोगों की एंट्री हो जाती है और सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने नीचे जो है ना बनाया हुआ था ऑफिस, जो कि बहुत अच्छे से बनाया हुआ था। और ये बाहर का व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, फर्स्ट फ्लोर पर ही था इनका ये जो है ना व्यू, यहाँ से नज़र आ रहा था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ से हम लोग जाते हैं इनके जो है ना पूरे घर का टूर करते हैं। तो यहाँ पर ऑफिस बना हुआ था, ऑफिस भी जो काफ़ी बड़ा और शानदार था, बिल्कुल लग्जरी सा ऑफिस इन्होंने बनवाया हुआ था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। ये बड़े भाई का मेरे बेटा है मोहम्मद अहमद, जो कि ये भी साथ में आया हुआ था, इसी के पापा जो हैं इनके फ्रेंड हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग सेकंड फ्लोर पर जा रहे थे जहाँ पर इनके जो है ना बेडरूम वगैरह थे, सब चीज़ें थी, किचन वगैरह था। तो यहाँ पर उनकी मिसेज भी थी तो बस हम लोग उन लोगों से भी मिले। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा मैंने जो है ना उनकी क्लिप बना ली थी घर की, लेकिन घर उनका बहुत अच्छा बना हुआ था। तो सबसे मिलने के बाद में फिर नाश्ते वगैरह हुआ, तो नाश्ता भी उन्होंने काफ़ी अच्छा लगाया हुआ था। उसके बाद में पूरा टूर करते हैं, पूरा घर उन्होंने दिखाया कि हर जगह जो है ना बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनी हुई थी और बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने घर को डेकोरेट भी किया हुआ था। किचन थी वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो बस पूरा घर एक आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा जो है ना बहुत ही लग्जरी टाइप में ये घर बना हुआ था। तो मैं और मेरी बहन और उनकी मैसेज जो थी वो अपना घर मुझे और मेरी बहन को दिखा रही थी। भाई वगैरह थे वो सारे नीचे ऑफिस में बैठे हुए थे। तो सारे घर का टूर करने के बाद में अब हम लोग जाते हैं छत पर, जो कि छत में भी काफ़ी अच्छा लग रहा था इनके यहाँ। तो ये जो है ना रात का व्यू है और रात को जब हम लोग छत पर गए तो छत में भी इन्होंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट वगैरह किया हुआ था और बहुत अच्छा बनाया हुआ था। मैं भी आपको दिखाती हूँ आगे कि मतलब कि एक अगर बैठने के लिए सुकून भरी जगह चाहिए हो तो छत पे भी अच्छा खासा इंतज़ाम था।
तो बस यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, और ये उनके घर से जो है ना बाहर का व्यू रात में नज़र आ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो काफ़ी देर इनके घर में रुकने के बाद में, उसके बाद में हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं। और बहुत ही जो है ना इन्होंने अच्छे से हम लोगों को लिया था, यानी कि फ़र्स्ट टाइम हम लोग इनके घर आए हुए थे, लेकिन लग ही नहीं रहा था कि फ़र्स्ट टाइम आए हुए हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बहुत पुरानी दोस्ती हो और बहुत पहले से हम लोग इनको जानते हों। तो बस यहाँ से अब हम लोग अपने घर के लिए निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। घर जा कर के हम लोग ने आराम किया, क्योंकि बच्चे नहीं गए थे मेरे, और वो पूछ रहे थे कि आप कहाँ चली गई थी, मैं उनको बता करके भी नहीं आई थी। तो बस यहाँ पर वीडियो का एंड होता है। तो आई होप आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अभी जो मेरे मायके का टूर है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। जब तक मैं मायके में हूँ, आपके साथ में अपने नए नए व्लॉग जो है वो शेयर करती रहूँगी, और अपनी फुल एक्टिविटी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। उसके बाद में जब मैं अपने ससुराल पहुँचूँगी, तब भी मैं आपके साथ में कुछ ना कुछ जो थोड़ा बहुत वो मेरे को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा हम लोगों को, मतलब कि इसके हम लोगों को क्या कि अपनी बिजी रूटीन हो जाती है, तो किसी को भी इतना नहीं टाइम मिलता है। मिलते हैं हम आपसे अगले व्लॉग में, जब तक कि आप हमारे साथ बने रहिएगा।